अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। पिरामिड्स दुनिया की उन मिस्ट्रीज में से है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4,500 से 5,000 साल पुराने ये पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ये बनी कैसे। लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड्स। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लेकर सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि आखिर ये चौंका देने वाले संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा लोगों ने। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इट्स नॉट सिंपल एज दैट। इस पिरामिड्स को बनाने में करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज किया गया है और एक एक ईंटों का वजन करीब 2,700 किलोज है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल लगे थे और इस पिरामिड के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उनके हिसाब से ये पिरामिड्स फैरोन कुफू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं तो इसका मतलब हर 5 मिनट में एक ब्लॉक को वो रखेंगे तब जाके वो पिरामिड्स बनेंगे। और हर 5 मिनट में 2,700 किलो के बड़े बड़े ब्रिक्स को उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। पर असल क्वेश्चन ये है कि पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 5 मिनट में ब्लॉक्स को इधर से उधर कर सके, और मात्र 20 साल में ऐसे हैरतअंगेज स्ट्रक्चर को खड़ा करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर हम लोग मॉडर्न जमाने में हेलीकॉप्टर, क्रेन्स, ट्रैक्टर्स को लेके पिरामिड्स बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा। और अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के खर्चे की बात करें तो ये करीब $5 बिलियन है, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं? और तो और, रिसेंट रिसर्चर्स ये भी पता लगाए हैं कि पिरामिड्स में कई हिडन चैम्बर्स भी हैं। और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है कि एलियंस ओरायन बेल्ट से धरती पे आए थे और वो पिरामिड्स को बना के वापस चल गए थे। ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 तारों से मिलती है। दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है। ये एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओरायन की कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड का कोई कनेक्शन है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद है, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पे पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं। और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक ही है। ये एकदम एक दूसरे की कॉपी लगती है। ऐसा मानो कि उस जमाने के लोग आपस में कॉन्टैक्ट करके आइडियाज शेयर करते हों। पर उस जमाने में इन सिविलाइजेशन के पास आपस में कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स कैसे बन सकती है। विचारकों का मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था, और वो थे एलियंस। अब सच क्या है और क्या झूठ ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और Google+ को फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।